ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇਨਕਾ ਜੋ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਾ, ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਨਕੋ ਅੰਦਰ ਘੁਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। किसान नू सूचित कर रहे ने गुरप्रीत घुग्गी। और अगर किसान पढ़ा लिखा है तो इनको प्रॉब्लम है कि ये पढ़ा लिखा किसान कैसे है। अगर कोई कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो भी इनको प्रॉब्लम है। आपने इनसे बचना है। कोई आपको जबरदस्ती इंटरव्यू करने की कोशिश करे, आपने कहना है हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, जो हमारे बुला रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे बात कीजिए आप। मशहूर पंजाबी अदाकार गुरप्रीत घुग्गी सोशल मीडिया से किसान अंदोलन को लेकर किसानों को सूचित करते नजर आ रहे हैं। गुरप्रीत घुग्गी ने हाल ही दे विच अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है जिस चो किसानों को फेक मीडिया का बायकाट करने की सलाह दे रहे हैं। गुरप्रीत घुग्गी ने वीडियो दे विच कहा, यह वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी च बना रहा हाँ ताकि पंजाब दे नाल नाल बाकी सूबे के किसानों को भी मेरी गल समझ आ सके। मैं थोड़े विचले नकली मीडिया कर्मी ते जो जानबूझ के पत्रकार बन के आउंदे ने ओह मौजूद ने, भुल भुलेखे ओह मोबाइल ते भी थोड़ी इंटरव्यू करने की कोशिश करनगे, थोड़े मुंहों कुछ अजिहा कटवा लैणगे जिसका ओह मजाक बना सकन। इस वीडियो दे विच गुरप्रीत घुग्गी ने होर की कुछ कहा जरा तुसी सुनो। सत श्री अकाल जी, ये वीडियो जानबूझ के मैं हिंदी में बना रहा हूं ताकि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब किसान जो आज बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं एजिटेशन पे, उनको ये मेरी बात समझ में आए। चाहे वो सिंघू बॉर्डर है, चाहे टीकरी बॉर्डर है, चाहे पलवल या गाजीपुर या और कहीं भी आप बैठे हैं, आज आपके बीच में चिंदी चोर जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, जानबूझ के बने नकली मीडिया का रूप धारण करके जो आए होते हैं, वो मोबाइल पे ही आपका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है ये कानून क्या है, आपको पता है ये बिल क्या है। जबकि उनको भी पता है कि जब आर्मी लड़ने जाती है तो हर सोल्जर को अपने कमांडर की बात माननी होती है, अपने कमांडर पे भरोसा रखना होता है, अपने सीनियर्स पे भरोसा रखना होता है कि ये जो कह रहे हैं हमारा वो धर्म है। जरूरी नहीं कि एक हर आर्मी पर्सन सबसे पहले अपने ऑफिसर को पूछे, पहले मुझे बताओ जी हमारा झगड़ा किस बात पे है ये मुल्क के साथ, फिर हम करेंगे फाइट। उनको पता है हमारे सीनियर्स हमारे लिए फाइट कर रहे हैं तो इनको सारा मुद्दा पता है। और अगर किसान पढ़ा लिखा है तो इनको प्रॉब्लम है कि ये पढ़ा लिखा किसान कैसे है। अगर कोई कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो भी इनको प्रॉब्लम है। आपने इनसे बचना है। कोई आपको जबरदस्ती इंटरव्यू करने की कोशिश करे, आपने कहना है हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो हमारे बुला रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे बात कीजिए आप, या बिल्कुल इनसे बात मत कीजिए, इनकी बात का जवाब मत दीजिए, ये मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये 20 लोगों से बात करेंगे तो 17 लोग अगर इनसे अच्छे तरीके से बात कर पाए, लॉ भी बता दिया इनको, बिल भी बता दिया, जो 3 लोग नहीं बता पाएंगे ना, ये उनका एक अपनी तरफ से मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। सो बिल्कुल बायकॉट करो इनका, जो नकली रूप धारण करके आते हैं मीडिया का, इनसे बात नहीं करनी, इनको अंदर घुसने नहीं देना। धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री साहब, आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है, आइए मिलकर उनको नमन करें और याद करें कि कैसे उनके दादाजी, फिर उनके पिता, फिर वो खुद, फिर उनके पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब और उनके 4 साहिबजादे इस देश की अजमत के लिए, इस कौम की अजमत के लिए अपनी जानें कुर्बान करके गए। और आज उनके अनुयायी, उनके मानने वाले आज आपके दिल्ली के द्वार पर बैठे आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और शायद आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही, या आपके लोग आपको सही से बता नहीं पा रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग वहां 0 डिग्री में बैठे हुए अब तक शहीद हो चुके हैं और उनकी किसानों की जायज़ मांगों को मानने के लिए पता नहीं अभी तक आप क्यों राज़ी नहीं हुए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये शक्तियाँ हमेशा नहीं रहती। अपने आप को इतिहास में आपको लिखने का मौका मिला है तो अच्छे से लिख के जाइए, वरना इतिहास तो हर चीज़ का बनता है। इतिहास तो एक औरंगज़ेब का भी बना था, आज उसकी मढ़ी पे कोई चिराग जगाने वाला भी नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब किसान को अगर ये लगता है कि उनके मुंह का निवाला छीन के अगर आप कॉरपोरेट्स को दे रहे हैं तो उनके दर्द को समझिए, ना कि उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लॉ उन्होंने पढ़ लिए हैं, उनको पता है ये हमारी फेवर में है कि नहीं है। प्लीज़ उनकी बात को सुनिए और एक स्वर्णिम इतिहास लिखिए ये किसानी का, वरना ये कॉरपोरेट्स जो हैं ये जिंदा रहेंगे, सदियों तक जिंदा रहेंगे, इनको और लीडर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वक्त दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि आप अपना जो नाम है सुनहरी अक्षरों में लिख के जाइए। किसान देश का अन्नदाता है, भगवान है, किसान नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है। सो रिक्वेस्ट है कि आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व पे ज़रूर इस बात पे गौर कीजिए
कि किसान को सम्मान के साथ उसकी बातें मान के आप उनके घरों तक लौटाइए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। गुरप्रीत घुग्गी की यह वीडियो पंजाबी कलाकारों वालों भी साझी की जा रही है। उतें ही पंजाबी कलाकार कमेंट करके भी गुरप्रीत घुग्गी की हाँ च हाँ मिला रहे हैं। थानू यह वीडियो किवें दी लगी कमेंट कर कमेंट बॉक्स च जरूर दसना। होर अपडेट्स लई जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बैल आइकन।